हेलो फ्रेंड्स, फंटास्टिक कुजींस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मौसम चेंज हो रहा है और बदलते मौसम की वजह से हमारी बॉडी में कई ऐसे इन्फेक्शन होने का डर रहता है जिन्हें हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके हम उसको फाइट कर सकते हैं। और हम मानते हैं कि हमारा जो किचन है ये एक मेडिसिन बॉक्स है और जो भी हम हर्ब्स यूज़ करते हैं हमारे किचन में वो कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी रखते हैं जिससे हमें अपने शरीर को इंटरनल पावर्स को बढ़ाने के लिए यूज़ करते रहना चाहिए। इंडियन कुजीन में एक ऐसा हर्ब यूज़ किया जाता है जो कि जिसके बिना इंडियन कुकिंग अधूरी मानी जाती है। आज हम बात करेंगे हल्दी के बारे में। इसे इंडियन सैफ्रन भी कहा जाता है और इसे गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। इसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस है कर्क्यूमिन नाम का जिससे कि हल्दी में ऐसी ताकत आ जाती है जिससे कि काफ़ी एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ इसको मिल जाती हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसे बहुत से ऐसे ऑस्पिशियस रिचुअल्स में यूज़ किया जाता है और इंडिया के हर एक एरिया में इसको रिचुअल्स में कोई ओकेजन हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई शादी हो, हवन हो, उसमें सब में ये यूज़ किया जाता है। हल्दी की बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे कि ये एक स्पेशल स्पाइस बन जाता है, जैसे कि पेन रिलीविंग है। ये हमारे ब्लड को भी प्योरीफाई करती है। हल्दी के गागल्स करके हम कफ को भी ठीक कर सकते हैं। स्किन डिसऑर्डर्स जो होते हैं, हमारे स्किन में इचिंग रहती है या कोई भी पिंपल्स रहते हैं या स्किन में कोई रैशेस आ रहे हैं फेस क्लीन करने के लिए, तो हल्दी की जो इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वजह से ये हल्दी बहुत ज़्यादा स्पेशल मानी जाती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अब तो इसका नाम माना जाता है। दोस्तों, आज की रेसिपी जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपके पास एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जिसमें हम हल्दी इस तरह से यूज़ करेंगे कि आप पूरे ईयर उसको यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे हल्दी की फ्रेश गांठों का अचार। फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं हल्दी के अचार के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। हल्दी का अचार है, हम ले रहे हैं, ये गांठें ऐसे मार्केट में मिल जाती हैं और आजकल सीज़न भी है, बहुत ईजीली अवेलेबल है हल्दी की गांठें फ्रेश। ये हमने लेकर वॉश कर लेनी है क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी रहती है, तो इसको अच्छे से वॉश करके इसको थोड़े सा देर बिल्कुल कपड़े से सुखा देना है, पानी नहीं रखना है इसमें। और इंग्रेडिएंट्स में इसमें बाकी ले रहे हैं, एक रेड मिर्ची लेंगे, नमक लेंगे, ये है राई का पाउडर, ये राई है साबुत राई जो है ये पिकल में ज़रूर डालनी चाहिए खटाई के लिए, ये है कलौंजी, ये है सौंफ, ये है मस्टर्ड सीड्स। राई और मस्टर्ड सीड्स में फ़र्क होता है, मस्टर्ड जो होता है वो थोड़ा ब्लैकिश और थोड़े बड़े दाने होते हैं लेकिन राउंड ही होते हैं, और ये जो है ये हमने लिया मेथी का दाना जो कि इजीली अवेलेबल रहता है। ये हमने लिया है लाल सूखी हुई मिर्चें, ये कोई 10-12 आप ले सकते हैं पाव हल्दी जो है उसके क्वान्टिटी के लिए। और ये लिया है हमने मस्टर्ड ऑयल जो कि कच्चा ही लेना है, अचार में हमें कच्चा ही ऑयल यूज़ करना चाहिए, उससे इसकी जो भी फंगल लग जाता है, एक बार अचार में फंगस लग जाता है तेल डालने से वो फंगस नहीं लगता है। तो आइए देखते हैं हमारा जो हल्दी है हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। हल्दी को हमने अच्छे से वॉश कर लेना है और एक चाकू से इसका जो पील है वो हटाना है। इसको आप हल्का हल्का जब हटाएंगे ईजिली आपको इसका पील उतर जाता है और इसको इस तरह से सारे पील्स आपने उतार लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हमने सारा इसको पील कर लिया और इसी तरीके से सारी गांठें जो हमने लेनी हैं वो हमने पील कर लेनी है। और पील करते समय जब भी हमारा छिलका बचा है इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, आप इसको क्योंकि हमने इस छिलके अच्छे से वॉश किया हुआ है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, आप इसकी टी बना सकते हैं, दूध में डाल के उबाल सकते हैं, हल्दी का दूध भी बन जाएगा, तो इसलिए हम इसको फेंकेंगे नहीं। इसी तरीके से बाकी सब हल्दी भी कर हमने रख रखी है और इसको हम ऐसे 1 इंच या 1/2 इंच के हिसाब से क्यूब्स में कट कर लेंगे। सारी हल्दी पीसेस कट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा धूप में रखेंगे। ये देखिए जो हल्दी है ये हमने सारी इसको करके पहले ही रखी है और इसको धूप ही लगाई है, और इससे क्या हुआ है इसके अंदर काफ़ी मिनरल्स रहते हैं जैसे कि इसका जो स्किन है बाहर से ड्राई होने की वजह से थोड़ी सी कलर चेंज हो जाता है और इसका बहुत सुंदर कलर, देखिए हाथों में कलर आ गया, ये बहुत सुंदर कलर है और गोल्डन कलर की होने की वजह से इसको इंडियन सैफ्रन भी कहा जाता है। तो हम ये भी इसमें ऐड कर लेते हैं। इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस आपने कट कर लेने हैं और जो हमारा छिलका है इसको हम फर्दर ऑन यूज़ कर सकते हैं।
ये जो हल्दी है हमारी कट चुकी है, अब हम इसके जो भी मसाले हैं इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। अब हम कढ़ाई रख लेंगे इंडक्शन पे और इसको काफ़ी तेज़ हीट कर लेते हैं और धीरे धीरे हम सबको इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ये हमारी लाल मिर्च को पहले, सबसे पहले हम इसको रोस्ट कर लेते हैं क्योंकि इनमें पड़े पड़े नमी आ जाती है, तो हमें इसको नमी को थोड़ा सा ख़त्म करने के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना चाहिए। 2-3 मिनट में जब हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो इसको हमारा रोस्टिंग शुरू हो जाएगी और इसको हिलाते रहेंगे। ड्राई चिली लेने का एक और रीज़न ये रहता है क्योंकि जब हमारा कोई भी अचार डालते हैं उसका कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट रह जाता है, तो जो ये ड्राई चिलीज रहती हैं इसके ये सारा जो उसका वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इसको ज़्यादा देर तक प्रिजर्व होने के लिए मदद करती है। हमने जो ये राई ली है इसको पीस लिया है, ये सेम है, राई है और ये इसका पाउडर है, तो हम या तो राई यूज़ कर सकते हैं या तो पाउडर यूज़ कर सकते हैं। राई का पाउडर यूज़ करने से बेटर रहता है तो इसलिए हमने राई का पाउडर ही यूज़ करें। हमारे चिलीज भी ये रोस्ट हो गई, ये होना शुरू हो चुकी हैं। इसी के साथ हम थोड़ी सी सौंफ भी डाल देते हैं, 1 चम्मच सौंफ और थोड़ा सा मेथी दाना जो है, और ये मस्टर्ड सीड्स, इन सबको रोस्ट कर लेंगे। ये सभी सूखे हुए मसाले हैं और ये कलौंजी है, ये अगर आपने काफ़ी देर से खुली रखी है डब्बे में तो आप इसको भी रोस्ट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी क्रिस्पी होती है। मसालों के रोस्ट होने की जो आवाज़ और ये क्रैकलिंग आवाज़ आती है, इसका मतलब कि हमारे जो मसाले हैं ये रोस्ट हो रहे हैं, इन्हें हमें बिल्कुल कंटिन्यूसली इसको हिलाते रहना चाहिए नहीं तो एक साइड से ये जल जाते हैं। इससे हम अपने इसकी वाटर कंटेंट जो है इसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर्स आ जाते हैं, जितने भी इसके फ्लेवर्स होंगे अपने मसालों के वो उसमें एनहांस हो जाते हैं। अब बंद कर देते हैं। इन सबको अब हम एक प्लेट में ले लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। हमारे मसाले ये हमने रोस्ट किए हैं, ड्राई रोस्ट, ये ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको इस जो हल्दी के पीसेस कट किए हुए हैं इनमें ऐड कर देते हैं, ठंडे हो जाने के बाद ही ऐड करिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर, अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है क्योंकि रेड चिली ऑलरेडी सूखी हुई डाली हुई हमने, तो ये अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अगर घर में बच्चे भी हैं खाने वाले या बच्चों को देना चाहते हैं तो मिर्ची कम डालेंगे। राई के 2 चम्मच डाल देंगे, तो राई डालने से इसका जो टेस्ट है वो खट्टा में आएगा। अब डाल देंगे नमक, अचार में नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए, ये एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करता है और इसको टेस्ट भी देता है। इसको लास्ट में हमने ऑयल डाल देना है और मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। इसमें स्टार्टिंग में हम ऑयल कम ही डालेंगे जस्ट मिक्स करने के लिए, और जैसे जैसे ये पकता जाएगा टाइम लेकर तो हम इसमें ऑयल बाद में ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपसाइड डाउन, ऊपर नीचे सब जगह मिक्स कर दें ताकि हमारे जो ये मसाले डाले हैं हमने ये अच्छे से तेल में रच बस जाएं और अच्छे से इसमें फैल जाए मसाले, ऑयल से मिक्स होकर ऊपर नीचे हो जाएगा ये, मगर इसको हिलाते रहना है। अब हम इसको क्योंकि अचार है ये थोड़ा टाइम लगता है बनने के लिए, हम इसे ऐसे किसी मिट्टी के मर्तबान में या मटके में डालकर स्टोर करेंगे और इसको पिकलिंग के लिए रखेंगे। इसमें ट्रांसफर कर देते हैं धीरे धीरे, इनिशियली ऑयल थोड़ा कम रखेंगे। ये सारा हमने इसमें भर दिया, अब इसको हम कवर लगा देंगे और इसको हम किसी साफ किचन टॉवल से इसको बंद कर देंगे और इसको अच्छे से बंद करने के लिए हम इसको यूज करते हैं एक धागे का या डोरी का, इसको कि डबल करके हम इसको बंद कर देंगे। फ्रेंड्स आपको पता है नॉर्मली पिकलिंग में टाइम लगता है और इसको अब हम धूप में रखेंगे 15 दिन तक, अच्छी धूप मिल जाएगी और फिर उसके बाद ये पिकल रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स ये देखिए ये पिकल हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, हम इसे यूज़ कर रहे हैं और ऐसे ही ये पिकल
बनाया था, जैसे हमने ये बनाया है, तो जो ये पिकल है ये 15 डेज में रेडी हो जाता है। आप ये 15 डेज तक रखेंगे अच्छी धूप में बंद करके, और इन बिटवीन आप इसको साफ हाथों से, सूखे हाथों से हिलाते जाएंगे, और 15 डेज के बीच में एक या दो बार आपको थोड़ा थोड़ा ऑयल और डालना पड़ेगा, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके अंदर ऑयल की ज़रूरत पड़ती है बाद में। तो जो हमारा अचार है ये ऐसे रेडी है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी हल्दी के अचार की रेसिपी, अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी ये कैसी लगी। आप भी ट्राई करिए, ये बनाकर बताएंगे कि आपके एक्सपीरियंस में ये अचार कैसा रहा।